हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज 3.2 की हम थ्योरी पढ़ रहे थे। तो हमने जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी तो उसमें हमने इनके बारे में कुछ डिस्कस किए थे, है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री के साइन के बारे में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में। आज जो है वो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जो अपन को आगे तक 12th जब भी हम मैथ पढ़ेंगे ना, वहाँ तक ये सारी की चीज़ जो आज हम पढ़ेंगे वो काम में आने वाली है। तो अच्छे से पढ़ना है। आज हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद ग्राफ। विद ग्राफ, डोमेन और रेंज की बात करेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, और उनके ग्राफ को भी समझेंगे। ठीक है, तो देखो डोमेन और रेंज का मतलब क्या है। डोमेन और रेंज का मतलब है, जैसे हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स के बारे में, ठीक है। तो साइन एक्स तो यानी कि जो उसकी एक्स की वैल्यू हो सकती है साइन की, तो एक तो होती है साइन एक्स और एक साइन वाई, एक्स पे और वाई पे, ठीक है। तो दोनों पे जो डोमेन एक्स की जो वैल्यू है वो तो होती है डोमेन, और जो वाई की वैल्यू होती है वो होती है रेंज। क्या होती है? रेंज। तो डोमेन और रेंज पढ़ेंगे और हम उनके ग्राफ के बारे में बात करेंगे। देखो सबसे पहला जो फंक्शन है हम उसकी बात करते हैं, वो है अपना साइन एक्स, ठीक है। तो देखो हम ने जो पिछली क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि जो साइन एक्स है वो जीरो किस किस पे होता है, एन पाई पे, यानी कि पाई की वैल्यू क्या हो, जीरो हो, पाई हो, टू पाई हो, थ्री पाई हो, या माइनस में पाई, माइनस में टू पाई, माइनस में थ्री पाई, इन सब में एक साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। क्या होती है? जीरो होती है। देखो उस जो हमने कल उससे पढ़ा था ग्राफ से उसी से समझते हैं। ये जैसे एक यूनिट पे ऐसे एक ग्राफ है, यहाँ एक ये कोई क्या है, एक्स, क्या है, एक्स, ठीक है। तो ये होता है अपना कॉस और ये होती है अपनी साइन पे वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक क्या है, वन, ठीक है। तो देखो ये जैसे जीरो है, ये पाई बाई टू, ये पाई, और ये है थ्री पाई बाई टू, और ये वापस से टू पाई, ठीक है। तो ये जो जीरो है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे कॉस की वैल्यू तो क्या होती है, वन होती है यहां जीरो पर, और साइन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो यानी कि साइन की वैल्यू जीरो कहां कहां होगी, यहां जीरो होगी और यहां जीरो होगी। तो हर बार साइन की वैल्यू जीरो और यहां जीरो। तो इसको देखो ये जो चक्कर होता है इसको हम कितना ही आगे तक चला सकते हैं, ठीक है। तो ये वापस घूम के आएगा, तो देखो यहां तो कितना हो जाएगा, यहां है देखो टू पाई, फिर ये वापस घूम के इधर आएगा, फिर इधर आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा ये थ्री पाई, और फिर यहां आ जाएगा ये हो जाएगा फोर पाई, ठीक है। तो एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगी, ऐसे ये वापस घूम के आएगा तो यहां हो जाएगा फाइव पाई और यहां हो जाएगा सिक्स पाई, ठीक है ना। यानी कि हर एन पाई के लिए साइन क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। बट ये कहां तक चल सकता है, कितने तक भी चल सकता है, यानी कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कितनी भी हो सकती है, यानी कि रियल नंबर हो सकती है ना। क्योंकि देखो अगर हम ऐसे बात करते हैं इसको कितना ही चला सकते हैं, प्लस में भी और माइनस में भी। तो देखो यानी कि जीरो से स्टार्ट हुई, कहाँ तक पाई, टू पाई, फोर पाई, थ्री पाई, कितने तक भी जा सकता है। तो वो नेगेटिव में भी जा सकता है और पॉजिटिव में जा सकता है। तो इसलिए जो साइन एक्स है इसका जो डोमेन होता है, क्या होता है, डोमेन, वो क्या होता है, वो होता है रियल नंबर। क्या होता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर का मतलब जितने भी सारे क्या हैं, वैल्यूज हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो इसका क्या है, डोमेन। यानी एक्स पे तो कुछ भी हो सकता है, इस एक्सिस को कितना ही बढ़ा सकते हो, ठीक है। जैसे ये एक्सिस है, ये क्या है, एक्स एक्सिस, ये मान लेते हैं वाई, तो यहां है जीरो,
क्या है? जीरो। यहां बात करते हैं पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, फाइव पाई बाई टू। ऐसे ही इधर चलेंगे तो ये होगा माइनस पाई बाई टू, माइनस के पाई, माइनस के थ्री पाई बाई टू, माइनस के टू पाई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो साइन की वैल्यू है वो कहाँ है? रियल नंबर तक। इसको कितना ही बढ़ाते जाओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसका जो डोमेन होता है यानी एक्स एक्सिस पे जो साइन की वैल्यू वो क्या होती है? रियल नंबर होती है। क्या होती है? रियल नंबर। बट अब बात करते हैं कहाँ? वाई एक्सिस पे, यानी कि रेंज की। किसकी बात करते हैं? रेंज की। तो हम लिख सकते हैं जो डोमेन है वो क्या बिलोंग कर रहा है? रियल नंबर को। अब बात करते हैं रेंज। रेंज जो होती है वो होती है माइनस वन से और वन के बिटवीन। क्या होती है? माइनस वन से और वन के बिटवीन। अब आप कैसे, अब आप कहोगे कि सर क्यों होती है माइनस वन के और वन के बिटवीन? तो देखो, माइनस वन से और वन के बिटवीन रेंज क्यों होती है ये देखो। ये हमने कल पढ़ा था, ठीक है। देखो, साइन की वैल्यू कहाँ? जीरो पर। यहाँ ये जीरो ही है या टू पाई है, इस पर कितनी होती है? जीरो। कितनी होती है? जीरो। और यहाँ ये कितना है? पाई बाई टू। पाई बाई टू पर कितनी होती है? वन। कितनी होती है? वन। फिर वापस कहाँ गए? यहाँ आ गए। किस पर? पाई पर। फिर पाई पर साइन की वैल्यू क्या हो गई? जीरो, कल हमने पढ़ा था ना। और वापस कहाँ गए? थ्री पाई बाई टू पर। और यहाँ साइन की वैल्यू क्या हो गई? माइनस वन। फिर वापस यहाँ गए तो फिर वापस क्या हो जाएगी? जीरो। तो ये चक्कर हमेशा ऐसे ही घूमता रहेगा, कितने ही चलते रहो। तो साइन की वैल्यू ना तो वन से ऊपर जाएगी और ना ही माइनस वन से नीचे जाएगी। तो साइन की वैल्यू माइनस वन से और वन के बिटवीन ही होती है। ठीक है, ये तो था इससे। अब हम बात करते हैं जो साइन और कॉस, साइन की वैल्यू जो होती है ना। देखो, आप लोगों को सबको पता है साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, सब की वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू साइन की क्या होती है? वन अपॉन रूट टू या वन अपॉन टू या अंडर रूट थ्री अपॉन टू या वन या जीरो या जीरो या वन, यही होती हैं। ठीक है, तो जो है अपना 90 पे तो होता है वन और जीरो। ठीक है, तो देखो वन अपॉन अंडर रूट टू, इसकी वैल्यू भी क्या है? वन के से ज़्यादा नहीं होगी। वन अपॉन टू तो वन से ज़्यादा होगा नहीं, अंडर रूट थ्री अपॉन टू भी क्या होगा? वन से ज़्यादा नहीं होगा। ये तो थी पॉजिटिव वाली वैल्यू। अगर नेगेटिव की बात करें तो यही वन माइनस वन अपॉन रूट टू, माइनस वन अपॉन टू, माइनस थ्री अपॉन टू और जीरो, यही चलेंगी। तो इसमें से एक भी वैल्यू वन से क्या नहीं है? ग्रेटर नहीं है। और कोई भी वैल्यू किससे नहीं है? माइनस वन से लेस देन नहीं है। ठीक है, तो साइन की जो वैल्यू है किसकी है? जो साइन है, तो इसमें जो साइन है ना वो हमेशा क्या होता है? वन से तो लेस देन या इक्वल, और माइनस वन से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू। इसलिए इसकी रेंज क्या होती है? साइन की, साइन की रेंज होती है माइनस वन से वन के बिटवीन। ठीक है, अब हम इनको ग्राफ एक बार मैं इनको अलग से आपको और लिखा दूंगा। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, सबकी जो भी रेंज है ना वो आप लोगों को याद होनी चाहिए और बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो साइन और कॉस की रेंज सेम होती है, उसी चीज से देखो, यहीं से जहां साइन, देखो अब यहां साइन जीरो है तो कॉस क्या है? वन है। यहां अगर साइन वन है तो कॉस क्या है? जीरो है। ऐसे ही सेम इधर अगर साइन जीरो है तो कॉस क्या है? माइनस वन है। और यहां अगर साइन वन है तो कॉस क्या है? जीरो। तो कॉस की भी रेंज क्या होती है? सेम, जो साइन की रेंज होती है वही। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। किसकी बात करते हैं? साइन के ग्राफ की। तो देखो ग्राफ पे अपने पास ये वैल्यू है, हमें केवल क्या करना है? जैसे मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है प्लस में, और एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है माइनस वन और माइनस टू। वैसे तो हमें वन तक की जरूरत है क्योंकि इसकी रेंज क्या होती है? वन। ठीक है, तो देखो कि हर एक पॉइंट पे साइन की वैल्यू चेक करनी है, केवल कुछ भी नहीं करना, ग्राफ अपने आप बन जाएगा। तो देखो हम बात करते हैं कहाँ पे?
साइन की वैल्यू किस पर? जीरो पर। किस पर? साइन की वैल्यू जीरो पर। तो देखो इस ग्राफ से ही बता देता हूं, ये क्या है? जीरो है। तो यहां साइन की वैल्यू कितनी है? जीरो ही है। कितनी है? जीरो। तो इसका मतलब ये यहां से स्टार्ट होगा। कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। ठीक है, अब बात करते हैं पाई बाई टू पर। ये आ गया पाई बाई टू। यहां साइन की वैल्यू कितनी है? वन। कितनी है? वन। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि कॉस वन होता है, साइन जीरो होता है। यहां क्या होता है? साइन कॉस तो होता है जीरो, साइन होता है वन। यहां क्या होता है? माइनस वन और जीरो। और यहां क्या होता है? कॉस तो होता है जीरो और साइन होता है माइनस वन। कल आप लोगों को इसके बारे में हमने सब कुछ बताया था। तो देखो पाई बाई टू पर जो साइन है वो क्या है? वन। तो यानी कि ये यहां से चलेगा और यहां पर पहुंच गया। कहां पहुंच गया? यहां वन। ये है ना वन, इसको हम थोड़ा सा इसके इक्वल में ही लिखते हैं। ये है वन। ठीक है, पहुंच गया। अब वापस कहां आएगा? पाई पर। तो पाई आ गया कहां? ये रहा, ये है पाई। पाई पर साइन की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो वापस ये कहां जाएगा? जीरो पर आ जाएगा। कहां जाएगा वापस? जीरो पर। अब बात करते हैं साइन की वैल्यू थ्री पाई बाई टू पर। थ्री पाई बाई टू पर साइन की वैल्यू क्या है? माइनस वन। कितनी है? माइनस वन। तो माइनस वन ये रहा, तो इसको ले आए हम यहां, लेके आएंगे ऐसे, ये ले आए। अब बात करते हैं टू पाई पर। तो टू पाई ये आ गया, वापस साइन की वैल्यू क्या हो गई? जीरो। यानी कि ये यहां वापस आके मिल गया। फिर पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू यहां आ जाएगा। ये तो चलता ही रहेगा जितना भी आगे तक जाओ, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ये तो थी पॉजिटिव में। अब नेगेटिव में भी सेम ऐसे ही है। नेगेटिव में बस क्या होगा? माइनस पाई बाई टू है, तो ये कहां जाएगा? ऐसे माइनस पे। और फिर पाई पे क्या हो जाएगा? पाई बाई टू पे वन है, पाई पे फिर जीरो हो जाएगा और फिर ये ऐसे आ जाएगा। यानी कि इसको कहां है? यहां है, तो थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, ऐसे। ठीक है, तो देखो एक्स एक्सिस पे तो ये इन्फिनिटी तक चल सकता है, इधर भी चल सकता है और इधर भी। इसको ज्यादा नीचे ले दिया, ये कहां तक आएगा? केवल माइनस वन तक, है ना, क्योंकि पाई बाई माइनस पाई बाई टू है, तो माइनस पाई बाई टू पर कितना होगा? माइनस वन। तो देखो एक्स एक्सिस पे तो कहां तक गया? इन्फिनिटी तक। लेकिन जो वाई एक्सिस है उस पर कितना है? ये है वन। तो देखो वन से ऊपर नहीं जाना चाहिए और नीचे कितने नहीं जाना चाहिए? माइनस वन से आगे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो डोमेन तो क्या हो गया? रियल नंबर, क्योंकि प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक कहीं तक जा सकता है, यानी कि रियल नंबर। लेकिन जो रेंज है साइन की वो क्या है? वन से लेकर माइनस वन। साइन की किसी भी एंगल पे आप देख लेना, साइन की वैल्यू कभी भी वन से ग्रेटर नहीं होगी। जो साइन की वैल्यू होती है वो माइनस वन से और वन के बिटवीन ही होती है। ठीक है ना, ये तो हो गया अपना साइन का ग्राफ। ठीक है ना, तो फील करना है अच्छे से कि कैसे बना है ना। अगर फील करोगे तो ही समझ में आएगा। वैसे तो मैं सीधा आप लोगों को ग्राफ बना देता और कह देता रट लो, है ना, पर उसमें मजा नहीं आएगा। तो इसलिए हम फील कर रहे हैं, हर एक वैल्यू फाइंड करके देखेंगे इसी के यूज से, या फिर जो हमें याद है। तो हर एक की वैल्यू, साइन की वैल्यू किस पर? पाई बाई टू पर कितनी है? वन है, तो ग्राफ आ गया वन पे। पाई पर जीरो है तो वापस जीरो आ गया। फिर थ्री पाई बाई टू पर माइनस वन है तो माइनस आ गया। फिर टू पाई पे जीरो है तो जीरो चला गया। फिर पाई फाइव पाई बाई पर वन है तो यहाँ आ गया। फिर नीचे ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तो बात हो गई साइन की। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉस की। तो साइन और कॉस में ज्यादा चेंज नहीं है। डोमेन और रेंज तो दोनों के क्या हैं? सेम है। कॉस के भी क्या है? डोमेन और रेंज जो साइन के है ना, बिल्कुल उसके जैसे ही हैं। बस ग्राफ में थोड़ा सा चेंज है। देखो एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स, डोमेन तो वही है, क्या रियल नंबर, क्या है रियल नंबर है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे तो
कहीं तक भी जा सकते हैं। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज भी क्या है? माइनस वन से और वन के बिटवीन, या फिर हम ऐसा लिख सकते हैं वन ग्रेटर देन माइनस वन से और लेस देन प्लस वन। क्लियर? ये मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूं कि कॉस की वैल्यू भी वन से और माइनस वन के बिटवीन ही होती है। वैसे साइन और कॉस की वैल्यू वही होती है, बस चेंज हो जाती है। जो कॉस 60 की होता है वो साइन 30 होता है ना, जो वो 90 होता है वो 0 होता है, तो 45 की सेम होती है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू भी क्या है, सब सेम टू सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। वही पाई बाई टू पाई, 3π/2 2π, सेम -π/2 पाई, 3π/2 और 2π, ये सब किसके हैं? नेगेटिव के। सेम इधर, यहाँ मान लेते हैं 1 और यहाँ मान लेते हैं -1। ये है अपना 0। क्या है? 0। तो जो साइन था ना वो 0 पर कितना था? 0 था। लेकिन कॉस जो है वो 0 पर कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। देखो ग्राफ से समझते हैं। ये चल गया एक चक्कर, 0 π/2, ये है अपना पाई, ये है 3π/2 और ये वापस घूम के आ गया 2π। तो देखो ये है कॉस और ये है साइन। तो यहाँ क्या होता है? 1 और 0, यहाँ होता है 0 और 1, यहाँ होता है -1 और 0, और यहाँ होता है क्या? 0 और -1। ठीक है, तो पहली वाली वैल्यू होती है कॉस की, दूसरी होती है साइन की। तो देखो 0 पर, किस पर? 0 पर कॉस की वैल्यू क्या है? 1 है, तो कॉस की वैल्यू है 1। और पाई बाई टू पर क्या है? 0। तो ये कैसे आएगा? ये ज़्यादा ऊपर हो गया, थोड़ा सा इसको यहीं कर लेते हैं ना, 1। तो देखो ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं कहाँ, पाई पर। देखो पाई पर क्या है? -1। तो इसको भी थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा नीचे हो गया -1। ये आ गया -1। ठीक है, इसकी सीध में ही है ये। यहाँ पर क्या है पाई पर वैल्यू? -1। अब बात करते हैं 3π/2 पर। तो 3π/2 पर वापस 0 है, तो इसको वापस 0 से मिला दो। 2π पर क्या है? 1 है, तो इसे कैसे ले जाओ? वापस 1 पर ले जाओ। फिर आगे क्या है, मान लो यहाँ होता 5π/2, तो इस पर वैल्यू क्या हो जाती? 5π/2 कहाँ आता? यहाँ आ जाता, यहाँ क्या हो जाती वैल्यू? 0। तो ये हो गई 0। ऐसे ही बात करते हैं अब नेगेटिव की तरफ। तो ये भी कैसे चलता? ऐसे चलता। ठीक है ना, तो देखो हमें पता है कि जो कॉस है वो किस किस पर 0 होता है? 2π + 2n + 1 π/2 पर। ये हमको कल पढ़ लिया था हमने। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब है प्लस माइनस, यानी कि ऑड होने चाहिए सब। π/2 + -3π/2 + -5π/2 + -7π/2, इन सब पे कॉस क्या होता है? 0 होता है। और साइन किस पे 0 होता है? +π + 2π + -3π + -4π, है ना, इन सब पे क्या होता है साइन? इन सब पे 0 होता है। तो देखो किस किस पर 0 है? π/2 पर 0 है, तो π/2 पर 0, 3π/2 पर 0 है, 3π/2 पर 0, 5π/2 पर 0 है, 5π/2 पर 0, और जिन पे 1 है, देखो किस पर? पाई पर 1 है, तो पाई पर 1, 2π, पाई पर -1 है, क्या है? -1, क्योंकि ये 1 तो 0 पर होता है, पाई पर -1 होता है,
फिर 2 पाई पर प्लस 1 होता है, फिर 7 पाई वाई पर माइनस 1 हो जाएगा। सेम ऐसे ही इधर, ठीक है, ऐसे ये ग्राफ बन गया किसका, कॉस एक्स का। किसका ग्राफ बन गया, कॉस एक्स का। तो इनको ग्राफों को रटने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं करने की है, रटने की जरूरत नहीं है। तो हमें क्या करना है, सीधा ही इसको याद कर लेना है। देखो जो साइन एक्स और कॉस एक्स होते हैं ना, इनके ग्राफ कहीं भी टूटते नहीं है। कहीं भी टूट रहा है क्या, कहीं भी नहीं टूट रहा ना, एक कर्व की तरह चलता ही जा रहा है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये 12th में आप लोगों को और काम में आने वाली है, जब भी हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, एक ना 12th में एक चैप्टर है कंटिन्यूटी, जिसमें ये यूज होते हैं साइन और एक्स, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्री। तो हम उसमें बताते हैं कि जो साइन एक्स और जो कॉस एक्स होते हैं ना, वो फंक्शन जो होते हैं ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमेशा कंटिन्यूटी होते हैं, ठीक है। कंटिन्यूटी क्यों होते हैं, क्योंकि उनके ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं करते। हम आगे जब टेन कॉट्स है कोसेक के ग्राफ पढ़ेंगे ना, वो सारे ब्रेक होंगे। यही दो ऐसे ग्राफ हैं जो क्या नहीं होते, ब्रेक नहीं होते, सीधे के सीधे कर्व की तरह चलते जाते हैं। इसलिए साइन एक्स और कोसेक जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूटी फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो ग्राफ समझ में आना चाहिए, और याद करने वाली चीज़ है कि इसकी रेंज क्या होती है, माइनस वन से और वन के बिटवीन इसकी रेंज होती है। डोमेन क्या है, डोमेन तो रियल नंबर होता है, साइन एक्स का भी और कॉस एक्स का भी, ठीक है। तो ये हो गया अपना किसका, कॉट एक्स का, सॉरी कॉस एक्स का ग्राफ। अब बात करते हैं हम किसकी, टेन एक्स की बात करते हैं। तो टेन एक्स का ग्राफ देखते हैं, अब बात करते हैं हम थर्ड, एफ एक्स इक्वल्स टू में टेन एक्स। देखो टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स, ठीक है। तो कल मैंने आप लोगों को ये बताया ही था कि जो ये एक्स यानी कि ये जो कॉस एक्स है, ये क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। और कॉस एक्स जीरो कब होता है, जब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, कल अभी अभी मैंने बताया ना, टू एन प्लस वन पाई वाई टू को, ठीक है ना। तो ये इसको बिलोंग नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यानी कि ये इसके इक्वल टू नहीं होना चाहिए, क्या, कॉस एक्स, और कुछ भी हो सकता है। तो देखो साइन एक्स भी क्या होता है, रियल नंबर, और कॉस एक्स का भी डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, बट ये उसमें नहीं होना चाहिए, क्या, टू एन प्लस वन पाई वाई टू, ठीक है। तो इसका जो डोमेन होगा वो रियल नंबर में से माइनस करेंगे हम, क्या, 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ये, ठीक है। रियल नंबर में से जितने भी 2n प्लस 1 यानी कि ऑड है ना, यानी कि पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, प्लस माइनस दोनों के। तो रियल नंबर में से हम ये माइनस कर देंगे, है ना, क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो कॉस एक्स है ये क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो नहीं होना चाहिए। और ये जीरो कब नहीं होगा, जब क्या होगा, टू एन प्लस वन पाई बाई टू हम रियल नंबर में से माइनस कर देंगे, तो ये जीरो नहीं होगा। अब बात करते हैं रेंज की। देखो जो टेन की रेंज होती है ना, वो होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। कहाँ होती है, क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। कैसे होती है, ग्राफ से समझते हैं, ठीक है, कि जो इसकी रेंज माइनस इन्फिनिटी से, यानी कि जो वाई की वैल्यू है ना, वो प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी तक चली जाती है टेन में। देखो कैसे जाती है, क्लियर, पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, 2 पाई, क्लियर, सेम, माइनस पाई वाई टू, माइनस पाई, माइनस 3 पाई वाई टू, और माइनस के 2 पाई, ठीक है। ये ऐसे ही 1, 2, 3, 4 ऐसे चलता जा रहा है,
ऐसे ये माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर और माइनस फाइव। अब देखो साइन अपॉन कॉस, टेन क्या होता है साइन अपॉन कॉस, इससे ही हम इसका ग्राफ बनाएंगे। देखो इधर मैं सॉल्व करता जाता हूँ, पहले बात करते हैं हम जीरो पर, किस पर बात करते हैं जीरो पर। तो साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो, ठीक है। तो साइन जीरो पर क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो, और कॉस जीरो होता है वन। तो जीरो अपॉन वन क्या होता है जीरो होता है, क्या होता है जीरो। यानी कि इस पर इसकी वैल्यू क्या है टेन की जीरो है, ठीक है। अब देखो पहले हम ये देख लेते हैं कि ना ये किस किस चीज़ पे डिफाइन नहीं होगा। तो कॉस एक्स नीचे है ना, तो यानी कि ये किस पर डिफाइन नहीं होगा, पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, यानी कि कॉस की वैल्यू ये होनी नहीं चाहिए, ठीक है। और आगे चलेंगे तो फाइव पाई बाई टू, ऐसे लाइन खींच लेते हैं क्योंकि हमें ये इन पर डिफाइन नहीं करना है। ऐसे ही सेम इधर चलेंगे तो यहाँ माइनस फाइव बाई टू, ये लाइन खींच ली हमने। क्यों खींची ये लाइन, क्योंकि ये जो है ना इन पे क्या नहीं करेगा, मतलब इसकी जो वैल्यू है ना कॉस की पाई बाई टू नहीं हो सकती, ठीक है। पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो अब तो हो गया ये किस पर जीरो पर। अगर हम बात करते हैं साइन पाई बाई टू पर और कॉस पाई बाई टू पर, ठीक है। तो देखो साइन पाई बाई टू अपॉन कॉस पाई बाई टू, तो देखो साइन पाई बाई टू कितना होता है वन और कॉस पाई बाई टू कितना होता है जीरो। तो ये हो गया इन्फिनिटी, क्या हो गया इन्फिनिटी, यानी कि पाई बाई टू पर कॉस क्या होता है इन्फिनिटी होता है। देखो लेकिन हम इस पर नहीं ले सकते, इसलिए हम क्या करते हैं इसको ऐसे ग्राफ बनाते हैं, ऐसे, यानी कि इसको टच नहीं करता, क्या नहीं करता टच नहीं करता पाई बाई टू पर, क्योंकि इस पर ये क्या नहीं है पाई बाई टू पर, है ना। पाई बाई टू पर कॉस जीरो नहीं, कॉस जीरो होता है, इसलिए हम पाई बाई मतलब यहां जो है इसका ग्राफ में इस पाई बाई टू की लाइन से टच नहीं करेंगे इसको। और ये कहां तक, जैसे ही जैसे देखो पाई बाई टू तक जा रहा है ना, ऐसे ही क्या हो रहा है ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। अगर ये पाई बाई टू है तो ये क्या है इन्फिनिटी है, तो हम इसे पाई बाई टू से थोड़ा सा दूर रखते हैं, ठीक है। और ये कहां तक चला जाएगा, ऐसे देखो इसको टच नहीं होगा और ये इन्फिनिटी तक चला जा रहा है। ऐसे ही अगर हम नेगेटिव की तरफ बात करें तो सेम है, क्या हो जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी आएगा। देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, तो ये क्या चला जाएगा, क्योंकि माइनस पाई बाई टू पर साइन क्या होता है माइनस वन, तो क्या हो जाएगा ये ऐसे आ जाएगा, ए ऐसे, ठीक है। अब ये सब में सेम ऐसे ही चलेगा। अब देखो कहां से शुरू करते हैं, अब यहां किसकी हो गई पाई बाई टू की बात होगी, अब बात करते हैं पाई की, किसकी बात करते हैं पाई की। तो देखो पाई ले लेते हैं दोनों तरफ, साइन पाई और कॉस पाई, ठीक है ना। तो क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है जीरो, कितनी होती है जीरो, और कॉस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, बट कितना आता है जीरो ही आएगा पाई पर, क्या आएगा पाई पर जीरो। जैसे ही थ्री पाई बाई टू लेंगे फिर ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी की ओर, तो ऐसे, और माइनस का लेंगे तो ये वापस ऐसे, ठीक है। तो अब ऐसे ही इधर आ जाना, इसमें भी सेम ऐसा ही ग्राफ बनेगा, किधर से इधर से इधर की तरफ। तो देखो पाई पर क्या है जीरो है, ये ऐसे और ऐसे। तो देखो एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू तो क्या है कितनी है, यानी कि रियल नंबर है, लेकिन उसमें से ये जो है माइनस कर दिया, तभी तो ये इसको टच नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। जो भी ये वैल्यू है ना पाई बाई टू, थ्री पाई बाई टू, फाइव पाई बाई टू, इसको चाहो तो एक ऐसे और बना लो, ये ऐसे ग्राफ बन गया, ठीक है। ये है किसका ग्राफ, टेन का ग्राफ, किसका है टेन का ग्राफ। तो देखो जो रेंज है
वो कहाँ है? ऊपर की तरफ जा रही है, कहाँ तक? प्लस इन्फिनिटी तक। और नीचे की तरफ आ रही है, माइनस इन्फिनिटी तक। कहाँ तक आ रही है? माइनस इन्फिनिटी तक। और देखो ये अलग अलग ग्राफ है, ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेक। तो ये ब्रेक वाली बात तो हम आगे पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ट्वेल्थ में। बस आप ये याद रखना कि पाई बाई टू पर क्या होती है, कॉस की वैल्यू जीरो होती है ना, इसलिए यहाँ जीरो है और ये कहाँ जा रही है? इन्फिनिटी तक। जीरो अपॉन वन अपॉन जीरो क्या होता है? इन्फिनिटी। पाई बाई टू पर साइन तो होता है वन, कॉस होता है जीरो, इसलिए कहाँ जा रहा है ये? इन्फिनिटी तक। फिर हम ऐसे उल्टा चलेंगे तो नेगेटिव में भी वैल्यू आएंगी, तो नेगेटिव ऐसे ही लेते चले जाएंगे। तो ये बात हो गई किसकी? टेन की बात हो गई। किसकी बात हो गई? टेन की। अब बात करते हैं कॉट की। तो कॉट में भी सब कुछ सेम है, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज है। कॉट एक्स क्या होता है? कॉट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स, और यहां आएगा जो एक्स किसको बिलोंग नहीं करना चाहिए? एन पाई को। और यहां भी हम केवल क्या लिखेंगे? एन पाई, ठीक है। तो डोमेन तो कॉट का क्या होगा? रियल नंबर में से माइनस करेंगे एन पाई। एन पाई यानी कि पाई, जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, है ना, जितनी भी वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको मैं मिटा देता हूं ना, क्योंकि वो उल्टे हो गए ना, साइन अपॉन कॉस की जगह कॉस अपॉन साइन हो गए। तो ये साथ साथ में नोट करते हुए चलना है ना, ग्राफ और ये सब अपने नोट्स कंप्लीट बनाते हुए चलो। देखो वही जीरो पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू और टू पाई, सेम इधर चलते हैं, माइनस पाई बाई टू माइनस पाई माइनस थ्री पाई बाई टू और माइनस के टू पाई, ठीक है। अब देखते हैं कॉस अपॉन साइन। तो कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, कॉस जीरो अपॉन में साइन जीरो। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है? वन होती है। क्या होती है? वन। और साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो कितना आ गया? इन्फिनिटी। यानी कि जीरो पे इन्फिनिटी है। किस पर है? जीरो पर इन्फिनिटी। और पाई बाई टू पर क्या होगा? देखो पाई बाई टू पर ये तो हो जाएगा जीरो और ये हो जाएगा वन। पाई बाई टू पर क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है। तो अब ये कैसे चलेगा? ऐसे, जीरो पर तो है इन्फिनिटी, ये चलेगा ऐसे। जीरो पर तो क्या है? ये इन्फिनिटी है और पाई बाई टू पर क्या है? जीरो, ठीक है। अब ऐसी बात करते हैं हम किस पर? पाई पर। किस पर बात करते हैं? पाई। तो पाई पर ये तो होता है माइनस वन और ये होता है जीरो, तो ये क्या हो जाएगा? वापस जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो, ठीक है। तो अब जो है ये यहां पर क्या है? जीरो होगा ना, तो इसकी तरफ चलेगा ऐसे, बट उसको ये टच नहीं करेगा, ठीक है ना, इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि वैसे भी ये जो है इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? एन पाई, यानी कि पाई की तरफ नहीं होनी चाहिए ऐसे। सेम जब यहां से बनाएंगे हम नेगेटिव की वैल्यू, तो ये इसकी तरफ तो होगा ऐसे और यहां आ जाएगा ये ऐसे। इन जो यहां ऐसे एक लाइन खींच लिया करो, ताकि हमें पता चले कि हमें इससे मिलाना नहीं है, क्योंकि जो देखो साइन एन पाई है ना, तो यानी कि जीरो पर, पाई पर, टू पाई पर, इन पर ये टच नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? टच नहीं होना चाहिए। देखो उसका ग्राफ तो कैसे बना था? ऐसे। इसका ग्राफ बन रहा है ऐसे, बस इतना सा ही चेंज है इसमें भी, ठीक है ना। ये इधर भी देखो, जब पाई पर तो जीरो की तरफ ऐसे चलेगा और फिर ये वापस ऐसे आ जाएगा। सेम यहां भी ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा ये उल्टा बन गया इधर वाला, क्योंकि ये तो चलेगा नेगेटिव ऐसे ऐसे, पाई पर भी जीरो की तरफ और इधर भी जीरो की तरफ। तो ये किसका ग्राफ है अपना? ये अपना ग्राफ है कॉट का, कॉट एक्स का ग्राफ, ठीक है।
तो इसमें भी और उस 10 में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस डोमेन में से क्या चेंज कर रहे हैं हम इसमें, एन पाई चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, एन पाई। ठीक है, तो ये देखो जीरो ये कहाँ है, पाई बाई टू पर जीरो है, अभी अभी हमने ये तो चेक कर लिए थे सारे, बस यहाँ वैल्यू पुट करके देखना कॉस अपॉन साइन में, जीरो कहाँ कहाँ होगा, जहाँ भी साइन क्या होगा जीरो होगा वहां तो इन्फिनिटी हो जाएगा, और जहां कॉस जीरो होगा वहां उसकी वैल्यू जीरो। तो देखो कॉस जीरो कहां होता है, कॉस जीरो होता है पाई बाई टू पर, कॉस जीरो होता है थ्री पाई बाई टू पर, तो यहां तो इसकी वैल्यू होगी जीरो, और सब जगह क्या होगी इन्फिनिटी, जीरो पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, पाई पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी है, तो हम इन्फिनिटी तक ले नहीं जाएंगे ना, क्योंकि ये डोमेन में क्या है माइनस एन पाई है ना, तो एडाइंग बस उससे टच नहीं करेंगे, बस ऐसे ले जाएंगे ग्राफ को। ठीक है, और वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी कहाँ ख़त्म होगी ये हम इसमें वैल्यू पुट करते देंगे, जीरो पुट की, फिर पाई बाई टू पुट की, फिर पाई की, फिर थ्री पाई बाई की, टू पाई की, सारी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, उनकी वैल्यू रखेंगे, और अपन को पता चल जाएगा कि कहाँ ये ग्राफ बनने जा रहा है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी सेम है, उसमें तो यहाँ माइनस था कितना 2n प्लस 1 पाई बाई टू था, यहाँ केवल n पाई है, और रेंज सेम है, क्या है रेंज सेम है माइनस पाई से माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब बात करते हैं sec x की। sec x, तो sec x क्या होता है 1/cos x, तो यहां भी डोमेन क्या हो जाएगा वही रियल नंबर होगा, बस माइनस कर देंगे क्या 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2, ये क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और यही कॉस की वैल्यू सेम वही नहीं होनी चाहिए थी जो अपन ने किस में कॉस 10 में किया था ना 10 में ऐसे ही, बट इसमें थोड़ा सा चेंज है, देखो क्या है, माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू पाई थ्री पाई बाई टू और टू पाई, यहाँ है पाई, इसका जो रेंज है ना उसमें चेंजेस है काफ़ी कुछ, एक नया ही चीज़ है, वो देखो नई चीज़ क्या है कि 1/cos, कॉस की रेंज हमने पढ़ चुके हैं, कॉस की रेंज क्या है माइनस वन से और वन, हम अब इसकी रेंज निकाल रहे हैं, ठीक है ना, क्या निकाल रहे हैं रेंज, तो कॉस की रेंज क्या होती है माइनस वन से और वन के बिटवीन होती है, तो देखो 1/-1 लिया तो क्या आ जाएगा अपने पास माइनस वन, क्या आ गया माइनस वन, तो 1 और माइनस वन के बीच में कहीं जीरो भी है, तो 1/0 लिया तो कितनी आ गई इन्फिनिटी आ गई, कितनी आ गई इन्फिनिटी, फिर लिया 1/1 लिया तो कितनी आ गई प्लस वन, कितनी आ गई प्लस वन, तो देखो इसकी जो रेंज है वो कहाँ तक जा रही है, इसकी रेंज कहाँ तक जा रही है माइनस वन से इन्फिनिटी तक, और देखो अगर हम क्या ले लें और माइनस इन्फिनिटी तक, देखो अगर हम क्या ले लें, देखो जैसे 1 है इसमें हम 0.5 से डिवाइड देते हैं तो कितना आ जाएगा अपने पास 2, अगर 0.05 से देते हैं तो कितना आएगा 20, अगर 0.00005 से ऐसे ही देते चल जाएंगे तो ये नंबर क्या होता जाएगा बढ़ता ही चला जाएगा, क्या चला जाएगा बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो माइनस वन से डिवाइड दिया तो माइनस वन, तो ये जो इसकी रेंज होगी ना वो क्या होगी, इसकी रेंज होगी देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और यूनियन वन से लेकर इन्फिनिटी तक, ये इसकी क्या हो जाएगी रेंज हो जाएगी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन और वन से इन्फिनिटी तक, देखो तो कोई भी वैल्यू जो है ना यहाँ माइनस वन और वन के बीच में नहीं आती है, क्या नहीं आती है माइनस वन से वन के बीच में नहीं आएगी,
क्योंकि जब भी हम इसमें डिवाइड देंगे ना तो कोई भी वैल्यू 1 और माइनस 1 के बीच में नहीं आएगी, 1 आ सकती है माइनस 1 आ सकती है, ठीक है ना। तो या तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसका रेंज ऐसे, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस 1 से 1 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है ना। तो यानी कि जो रेंज है वो क्या नहीं हो सकती, रेंज इज नॉट इक्वल टू माइनस 1 से 1। या तो ऐसे लिख लो या क्या लिख लो, माइनस 1 से और 1 के बिटवीन में इनकी रेंज नहीं होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, नहीं ग्राफ में फर्क पड़ेगा। रेंज नॉट इक्वल टू माइनस 1 और 1, 1 से माइनस 1 के बिटवीन में इसकी रेंज नहीं होती, क्योंकि देखो हमने अभी चेक करके देख लिया कोई भी जो वैल्यू है वो क्या नहीं आई है, 1 से माइनस 1 के बिटवीन में नहीं आई है। तो इसके जो रेंज है, ग्राफ है, तो उसमें भी कोई भी वैल्यू माइनस 1 और 1 के बीच में नहीं आएगी। देखो जैसे ये तो है 1 और ये है माइनस 1, तो कोई भी वैल्यू यहाँ बीच में नहीं आएगी, जो पॉजिटिव होगी वो इसके ऊपर होगी, नेगेटिव जो होगी वो इसके नीचे होगी, ठीक है। चेक करते हैं देखो कैसे, sec x ऊपर तो है 1, अब बात करते हैं 0 पर, किस पर बात करते हैं 0 पर, ठीक है। तो 0 पर हम बात करते हैं sec के बारे में, तो 1 0 पर 1 अपॉन 1 तो क्या होता है भाई, 1 है cos 0 लिया, cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 अपॉन 1 कितना आ गया 1, यानी कि 0 पर इसकी वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं पाई बाई 2 पर, तो पाई बाई 2 पर ऊपर तो 1 है, नीचे पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 होता है 0, तो यहां क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि पाई बाई 2 पर, किस पर पाई बाई 2, ये लाइन हमें खींचनी है क्योंकि पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 और 5 पाई बाई 2 पर क्या होती है इसकी वैल्यू 0। तो देखो ये यहां से चलेगी और ऐसे इसको टच नहीं करेगी, है ना, क्योंकि उस पर क्या हो जाएगी ये इन्फिनिटी बन जाएगी, है ना, तो इसको टच नहीं करेगी और ये ऐसे चलेगी। अब ऐसे ही नेगेटिव में जब आएंगे तब इसको हमें ऐसे खींचना है, ठीक है, तो नेगेटिव में भी ये ऐसे आ जाएगी, क्लियर। अब बात करते हैं पाई पर, किस पर पाई पर, तो पाई पर कॉस की वैल्यू क्या होती है माइनस 1, तो कितना आ जाएगा माइनस 1, माइनस 1 कहाँ है ये रहा, ठीक है। तो देखो इधर भी 0 इधर भी 0, 3 पाई बाई 2 पर भी क्या होगा ये 0 की तरफ चलेगा ऐसे, और इधर भी किसकी तरफ चलेगा ऐसे 0 की तरफ, तो कुल मिला के 1 से नीचे नहीं आएगा और माइनस 1 से बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन नहीं आएंगे ग्राफ। तो अब एक जो ग्राफ है वो इधर भी कैसा बनेगा, इसको छोड़ो ये ऐसा ग्राफ बनेगा, सॉरी इधर तो क्या है नेगेटिव है ना, तो इधर बनेगा माइनस 1 ऐसा, ठीक है। तो इनको अगर आगे बढ़ाओ तो आगे तक और चला जाएगा, ये अपने पास था किसका ग्राफ, ये था अपने पास sec x का ग्राफ, है ना। तो देखो पाई पर जब वैल्यू आएगी, पाई अगर देखो पाई पर चेक करते हैं, किस पर पाई पर 1 और cos पाई, तो ये तो है 1 और ये है 0, तो कितना हो जाएगा नहीं cos पाई, तो cos पाई पर कितना होता है माइनस 1, कितना होता है माइनस 1, तो ये आएगा माइनस 1, इसलिए हमने पाई पर तो लिया है माइनस 1, ठीक है। 3 पाई बाई 2 पर हमें पता है cos 0 होता है, और पाई बाई 2 पर भी क्या होता है 0 होता है, यानी 0 होता है, तो ये 0 होते ही क्या बन जाएगा इन्फिनिटी बन जाएगा, क्या बन जाएगा इन्फिनिटी, तो इसलिए इसको इन्फिनिटी की तरफ ले गए, इसको भी इन्फिनिटी की तरफ ले गए, ठीक है। सेम अब यहां गए, देखो माइनस पाई क्या है माइनस पाई, तो ये क्या हो चलेगा यहां तो होगा कितना माइनस 1, और फिर इसको ले गए हम इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। तो sec और cosec के जैसे sin और cos के सेम थे, tan और cot के सेम थे, ऐसे ही sec और cosec के क्या है मोस्टली सेम है, तो ये मैं मिटा देता हूं, बस क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos होता है वो 1 अपॉन sin हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ही चेंज है, तो मैं ये मिटा देता हूं। डोमेन रेंज दोनों सेम रहेंगे, जैसे sin cos के थे cot tan के थे,
ऐसे ही इसके भी डोमेन और रेंज क्या होंगे, माइनस वन से वन, क्योंकि देखो जो साइन की वैल्यू होती है ये क्या हो जाएगा, अब हम चेक कर रहे हैं किसका, कॉस एक का, कॉस एक एक्स क्या होता है वन अपॉन साइन एक्स, इसकी वैल्यू भी क्या होती है वही माइनस वन से वन के बीच होती है इसकी रेंज, तो सेम वो ही डोमेन और रेंज होंगे इसके भी, बस यहां क्या हो जाएगा कॉस था तो ये माइनस किया था, अब हम यहां क्या माइनस करेंगे एन पाई, क्या माइनस करेंगे एन पाई, तो ये सभी ग्राफ आने चाहिए, इनके डोमेन और रेंज याद होने चाहिए। देखो इसकी रेंज वो भी होती है जो उसकी होती है, यानी कि माइनस वन और वन के बीच को छोड़कर सब कुछ होगा, है ना, माइनस वन से वन के बीच में इसकी वैल्यू नहीं होगी। तो देखो ग्राफ बनाते हैं, ये है वन ये है माइनस वन, पाई बाई टू पाई, थ्री पाई बाई टू और टू पाई, सेम माइनस पाई बाई टू पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू और माइनस के टू पाई, ठीक है। तो देखो साइन इस पर तो होता है जीरो, भाई अब साइन से कर रहे हैं ना हम, तो देखो जीरो पर देखते हैं तो वन अपॉन जीरो क्या हो गया इन्फिनिटी, क्या हो गया इन्फिनिटी, यानी देखो यहां है इन्फिनिटी, पाई पर है इन्फिनिटी और टू पाई पर इन्फिनिटी, सेम माइनस पाई पर इन्फिनिटी और माइनस टू पाई पर इन्फिनिटी। देखो उसका जो ग्राफ बना था ना, उसका ग्राफ तो बना था अपना कैसा, ऐसा, किसका सेक का, बट कोसेक का ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि यहां नहीं है वो इन्फिनिटी, अब वो वन जो होगा वो कहां आएगा पाई बाई टू पर, क्योंकि साइन पाई बाई टू क्या होता है वन होता है, तो प्लस का वन आएगा यहां, और अब ये ग्राफ बनेगा इधर की तरफ इन्फिनिटी और ये इधर की तरफ इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे ही थ्री पाई बाई टू, तो थ्री पाई बाई टू होता है माइनस वन, तो ये जैसे माइनस वन है यहां, ये ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है। इसमें भी ये ग्राफ बनेगा, यहां आएगा माइनस वन पे ऐसे, ठीक है, और इधर ये बन जाएगा ऐसा। तो ये है अपना किसका ग्राफ, ये है अपना कॉस का ग्राफ, सॉरी कॉस एक एक्स का ग्राफ, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, इसमें किसको टच नहीं करेगा अपनी, ये जो जीरो वाली लाइन है ना इसको टच नहीं करेगा, फिर इधर माइनस और इधर माइनस ये हो जाएगा। तो थ्री पाई बाई टू पर वन है ये, माइनस का वन, भाई साइन थ्री पाई बाई टू क्या होता है माइनस वन ही तो होता है, कॉस तो होता है जीरो, साइन होता है माइनस वन, तो जब माइनस वन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन, तो यहाँ तो माइनस वन की वैल्यू है और इधर भी जीरो की तरफ है, ये इधर भी जीरो है, तो यानी इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है और इधर भी इन्फिनिटी जा रहा है, तभी तो देखो ये माइनस इन्फिनिटी और माइनस वन और वन और इन्फिनिटी, इसीलिए तो ये इसकी रेंज है, क्योंकि देखो वन और माइनस वन के बिटवीन में कुछ भी नहीं है, या तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है या ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो देखो जब जीरो वन अपॉन जीरो किया तभी तो इन्फिनिटी आ रहा है, इधर इन्फिनिटी ऐसे, इधर भी ये इन्फिनिटी की तरफ, इधर इन्फिनिटी की तरफ, तो ये हो गया अपना किसका कॉस एक एक्स का, किसका हो गया कॉस एक एक्स का। तो इसके सारे के सारे ग्राफ और आपको क्या याद होने चाहिए, इनकी रेंज याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो रेंज सिंपल सी है, साइन एक्स या साइन थीटा और कॉस थीटा, इनकी रेंज क्या होती है माइनस वन से वन के बिटवीन, ठीक है। कॉट एक्स और टेन एक्स, इनकी होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बिटवीन, ठीक है। और सेक एक्स और कोसेक एक्स, इनकी क्या होती है माइनस वन और वन के बिटवीन में नहीं होती, ठीक है ना, माइनस वन और बिटवीन वन के बीच छोड़कर सब कुछ, चाहो तो ऐसे ही लिख सकते हो माइनस वन से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी डोमेन यूनियन वन से इन्फिनिटी तक, चाहो तो ऐसे लिख लेना, ठीक है। तो आज
के लिए एक हो गया अपना कंप्लीट, जितनी भी थ्योरी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 स्टार्ट कर देंगे। इनको ग्राफों को सबको याद कर लेना, इनके डोमेन रेंज याद कर लेना, रटने की ज़रूरत नहीं है। वैल्यू पुट करते ही अपन को पता चल जाएगा कि ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझाया है, समझ में आया हो तो वीडियो लाइक करना, कमेंट करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।